हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बताएंगे जो डीजल जनरेटर होता है कैसे काम करता है। ये कीलोस कंपनी का डीजल जनरेटर है, 85 KV का है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या क्या लगा होता है, क्या क्या सेफ्टी परपज है। देखिए ये मीटर है, एनर्जी मीटर है, और ये देखिए ये इसकी डिस्प्ले है, और ये ऑन ऑफ, और ये मेन MCB, और दोस्तों ये इसके चेक पॉइंट है। देखिए डीजल का लेवल कितना होना चाहिए, डीजल का जो ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, रेडिएटर का जो लेवल उतना होना चाहिए, अल्टरनेटर की कार्बन वगैरह सही होना चाहिए। ये पूरे इसमें जो दिए हुए हैं इस तरह से ऑपरेट करना है। और ये इसका अल्टरनेटर है, देखिए ये इसका सेल्फ है, और ये देखिए बैटरी है, 12 वोल्ट की दो बैटरी और चार्जर लगा हुआ है। देखिए ये बैटरी के टर्मिनल है, दो बैटरी है 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट में ये सेल्फ से स्टार्ट होता है, और ये इसका अल्टरनेटर है जिससे बैटरी चार्ज होती है। देखिए ये किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो इसका नाम है ब्रांडेड। इसको लॉक कर देते हैं और ये अगला लॉक खोलते हैं, और देखिए यहाँ पे ये रेडिएटर लगा हुआ, और यहाँ पे ये ऑयल टैंक है। देखिए इसके अंदर ऑयल भराया है, और ये ऑयल लैंपने के लिए एक पाइप लगा हुआ है जिससे पता लग जाता है इसके अंदर टैंक इतना ऑयल बचा है, और यहाँ को इसमें ऑयल फिल करते हैं। और ये देखिए ये यहाँ पे जो इसका इंजन का जो ऑयल ज़्यादा है यहाँ पे, ये सब एरिया है, और ये इसकी नेम प्लेट है, कितने RPM कितने KV ये सब कुछ इस पर लिखा हुआ है। और ये अल्टरनेटर की नेम प्लेट है यहाँ पे, और ये इसकी केबल है, देखिए 70 mm की केबल लगी हुई है, जो इसकी आउटपुट वायर केबल है, और अर्थिंग लगी हुई है, और इसका साइलेंसर लगा हुआ है। देखिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही।